सोयाबीन के किसानों के लिए एक राहत की खबर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि आने वाली सोयाबीन की फसल को MSP पर खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि इसके लिए सरकार को अगर जरूरत पड़ेगी तो PSS सिस्टम भी किसानों के लिए लागू किया जाएगा। आपको बता दें, PSS यानी प्राइस सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें किसानों को MSP पर खरीद के लिए केंद्र सरकार मदद देती है। सोयाबीन की कम कीमतों की वजह से पिछले कई दिनों से लगातार किसान आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सोयाबीन की MSP मंडी में, उस पर भी खरीद नहीं हो रही, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। साथ ही साथ जब वो मंडी में जा रहे हैं तो MSP तो दूर की बात, उनको कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये कम में अपनी सोयाबीन की फसल बेचनी पड़ रही है और लागत उससे काफ़ी ज़्यादा आती है। किसानों की लगातार मांग उठ रही है कि सोयाबीन की MSP 6 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल की जाए, लेकिन फिलहाल कृषि मंत्री शिवराज सिंह की ओर से ऐलान किया गया है कि आने वाली सोयाबीन की फसल को MSP पर सरकार खरीदेगी। मूंग की खरीदी तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में भी की है। जिन राज्यों ने खरीदी की मांग की है तो PSS योजना के अंतर्गत मूंग की खरीदी की अनुमति भी केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में दी थी और मूंग की खरीदी मैं समझता हूँ करीब करीब पूरी हो चुकी है। सोयाबीन की खरीदी को लेकर किसान आवाज उठा रहे हैं, उसको कांग्रेस हवा देने की प्रयास कर रही है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है, सोयाबीन के समर्थन मूल्य तय है और वो है 4,994 रुपया क्विंटल एक, और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन किसानों का खरीदेंगे, किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना ये मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार की प्रतिबद्धता है और उसके लिए योजना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 3 राज्यों ने सोयाबीन खरीदी की मांग की थी और उनको PSS योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश की सरकार के हम संपर्क में हैं, अभी सोयाबीन की फसल आने में थोड़ी देर है। मध्य प्रदेश सरकार 2 योजनाएं हैं हमारी खरीदी की, उनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी करेगी, हम तत्काल अनुमति देंगे, क्योंकि ये तो मोदी जी की प्राथमिकता है किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम देना। ये फसल आने में देर है और प्रदेश सरकार से हमारे अधिकारी संपर्क में हैं और जल्दी फैसला होगा। मैं मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के सहित अन्य राज्यों में भी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने तय की है उस पर जो सरकार की योजना है, क्योंकि खरीदी हम राज्य सरकार के साथ ही मिलकर करते हैं तो राज्य सरकार जैसा चाहेगी तत्काल खरीदने की अनुमति दी जाएगी। किसान तक खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।